कल्कि का पोस्टर तो आ गया, पोस्टर पे लोग काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं, बट पोस्टर में बहुत ऐसे हिडन डिटेल्स है, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर तुम लोगों को पता चलेगा कि ये पोस्टर में मेकर्स क्या क्या चीज़ें को डाल दिए हैं, तुम लोग सॉक्ड हो जाओगे यार। लिटरली मैं तुम लोग कल वाले वीडियो में ही बोला हुआ था कि ये चक्रास जो हम सबको देखने को मिल रही है, ये बहुत कुछ चीज़ों को पता दे रही है, बहुत कुछ हिंट्स दे रही है। बात करेंगे आगे हम लोग, बट इसके साथ साथ ये जो पोस्टर है ना, ये पोस्टर क्लाइमेक्स का पोस्टर है। देन इसी टाइम पे ये जिस जगह का पोस्टर है, इसी टाइम पे ना प्रभास सर विष्णु जी के 10वें अवतार मीन्स कल्कि में चेंज होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई ये चक्रास के बारे में, बिकॉज यही सबसे बड़ा खेल चेंज करने वाला मोमेंट करेगा। तो मैं देखना, ये फिल्म जब भी आएगा तुम लोगों को पता चलेगा। तुम्हारे स्क्रीन पे ये चक्रास आ रहा है, ये ना विष्णु जी का चक्रास है और इस चक्र को बोलते हैं मणिपुरी चक्र। और ये चक्र का डिफिनीशन होता है, मीन्स ये चक्र रिप्रेजेंट करती है पावर को, इसके साथ साथ फायर को रिप्रेजेंट करती है। बट यहाँ कल्कि के मेकर्स को ना दाग देना पड़ेगा यार, कि वो लोग बहुत ही सिस्टमैटिक वे से ना सारी चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं। ये पोस्टर के पहले इन लोगों ने अश्वत्थामा के कैरेक्टर को रिवील करा हुआ था कि हाँ, अश्वत्थामा के कैरेक्टर को अपने अमिताभ बच्चन प्ले करने वाले हैं, और वो जो भी ग्लिम्स था वो ग्लिम्स भी बहुत कुछ बता दिया हुआ था कि कैसे अश्वत्थामा को चोट लगता है और उस जगह पे भैरवा और अश्वत्थामा लड़ते हैं, इस वजह से अश्वत्थामा को वहाँ चोट लगा हुआ है। वो सीन देखना तो मगर अश्वत्थामा ऐसे अपना ब्लड ऐसे पोंछते हैं। इसके अलावा इनके जो फोरहेड पे जो मणि था वो भी गायब रहता है, देन फिर लास्ट में मणि भी आ जाती है। देन उसके बाद मेकर्स ये पोस्टर को रिलीज़ करते हैं जहाँ भैरवा भी है, अश्वत्थामा भी है, एंड दीपिका पादुकोण है। सो ये पोस्टर से ये तो क्लियर पता चल रहा है कि अब भैरवा और अश्वत्थामा दोनों साथ में मिल चुके हैं, बिकॉज भैरवा कल्कि अपने अवतार में, मीन्स कल्कि के अवतार में वो चेंज हो गया है, और इसके चेंज होने के बाद उसे चक्रास मिल गए हुए हैं, जो चक्रास पावर और फायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।